अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुरानमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम साधना दो जगल अर्चना दो अटल वंदना दो अचल अर्चना दो अटल वंदना दो हमें भक्ति दो सर्वदा प्रेम मंडित हमें ज्योति दो वह सदा जो अखंडित हमें ज्योति दो वह सदा जो अखंडित न इच्छा रहे ना बसे वासनामा न इच्छा रहे से वासना तुम्हीं में मगन मन यही कामना दो तुम्हीं में मगन मन यही कामना दो अटल अर्चना दो अटल वंदना दो जगत वंद हर्ष में शोक में चुभ जग मन न हो हर्ष में शोक में चुभ जग मन सतावे न सुख दुख कटे मोह बंधन सतावे न सुख दुख कटे मोह बंधन सभी यह तुम्हारा तुम्हारे सभी हैं सभी यह तुम्हारा तुम्हारे सभी हैं तुम सर्वमय हो यही भावना दो तुम ही सर्वमय हो यही भावना दो जगत वंदे मां कभी काम की कल्पना न कपाए कभी काम की कल्पना न कपाए कभी क्रोध प्रतिशोध हो कर न आए कभी क्रोध प्रतिशोध हो कर न आए जले राग की आग में मन मेरा जले राग की आग में मन मेरा यही धारणा दो यही भावना दो यही धारणा दो यही भावना दो जगत वंदना
विषय वासना विस्भरी है कटारी, विषय वासना विस्भरी है कटारी। यही बुद्धि दे दो बनी सदाचारी, यही बुद्धि दे दो बनी सदाचारी। मिले मान अपमान पथ में तुम्हारे, मिले मान अपमान पथ में तुम्हारे। लगे सब परम प्रिय यही धारणा दो, लगे सब परम प्रिय यही धारणा दो। जगत बंद माँ शक्ति दो साधना दो, जगत बंद माँ शक्ति दो साधना दो। अचल अर्चना दो अटल वंदना दो, अचल अर्चना दो अटल वंदना दो। जगत बंद माँ शक्ति दो साधना दो, जगत बंद माँ। गायत्री मंत्र मेरे साथ सब बोले, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञानताशय श्रद्धा प्रज्ञानताशय। परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे प्यारे प्यारे बच्चों छात्र छात्राओं हमारे अध्यापक गण और हमारे स्टाफ के सभी सदस्य, भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक प्रजहाति यदा कामान। प्रजहाति यानी का अर्थ होता है कि जो छोड़ देता है, जो त्याग देता है। प्रजहाति यानी त्याग देना। यदा जिस तरह से कामान कामनाओं को सवर सर्वान समस्त पार्थ यानी अर्जुन मनोगतान मन में बैठी हुई कामनाओं को जो छोड़ देता है, मन में नहीं रहने देता। मन में बैठी हुई कामना जो है कभी न कभी फल दिखाएगी, इसलिए उसको मन में मत रहने दो। आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः। आत्मन्येव यानी मन मन ही मन में अंतर जगत में ही अपने जो संतुष्ट रहता है, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में उस समय में स्थित प्रज्ञ कहलाता है। नहीं, ये हो सकता है कि ये स्थिति जो है जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं हाईएस्ट स्टेज ऑफ स्थित प्रज्ञता है, तो ये हमेशा ना बनी रहे, कभी कभी बनी रहे, पर थोड़ी देर के लिए अगर आ जाती है मन में कि मैंने कामनाओं को छोड़ दिया, तो उस काल में तुम स्थित प्रज्ञ कहलाते हो। और अगर ये कंटिन्यूटी बनी रहे तो आप स्थित प्रज्ञ हो गए। ऐसा करीब 18 श्लोक हैं स्थित प्रज्ञ के कंटिन्यूटी में, और सब विभिन्न प्रकार से स्थित प्रज्ञ की बात करते हैं। दूसरे अध्याय के लास्ट जितने श्लोक हैं 55वें श्लोक से लेकर के और 72वां श्लोक 72, ये सारे के सारे श्लोक इसी के ऊपर पूरे बेस्ड। मन जितना स्थिर है उतना ही शक्ति संपन्न है। जितना स्थिर है, जितना स्थित है, और जितना अस्थिर है उतना चंचल है। मन अस्थिरता के कारण चंचल होता चला जाता है, खंडित होता चला जाता है, रोगी और दुर्बल होता चला जाता है। हमारा मन जहाँ अस्थिर हुआ, हमारा मन जहाँ इधर से उधर गया, मन कहीं इधर घर की तरफ भागा, परिवार वालों की तरफ भागा, दोस्तों की तरफ भागा, या किसी और चीज़ में आकर्षणों में भागा, तो हमारा मन दुर्बल हो जाएगा। मन के माध्यम से हम सब कुछ करते हैं। मन यदि ठीक ना हो तो हम कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकते। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि मन हार गया और मन आपका कहता है नहीं कर पाएंगे, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी उस समय हार हो गई। इसलिए मन को मजबूत बनाना, मन को सशक्त बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
शरीर और मन ये दोनों आत्मा के माध्यम है, ये दोनों के दोनों शरीर से और मन से आप आत्मा को प्रकटीकरण करते हैं उसका। जैसे यदि कोई बहुत अच्छा लेखक हो लेकिन उसके हाथ में कलम ना हो, कंप्यूटर ना हो, तो लिख नहीं सकता। बहुत अच्छा लेखक है, विचार अच्छे आ रहे हैं, पर कलम भी नहीं है। भाई साहब कोई पेन है क्या आपके पास, देंगे जरा कागज है, देंगे, मांगता है वो, या कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आईपैड है, कुछ है मैं लिख दूँ। अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए उस लेखक को भी कुछ चाहिए साधन, कलाकार को भी कूची चाहिए, पेंटिंग करने के वाले के लिए भी ब्रश चाहिए। इसी तरह से हमारे को भी शरीर और मन स्वस्थ होना चाहिए, शरीर और मन हमारा सही होना चाहिए। हमारे दो हथियार हैं शरीर और मन, स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन सभी तरह की सफलताओं का आधार है। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन यदि है आपका तो आप सफल हैं, इन दोनों के माध्यम से आप सफलता की बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। हम बार बार ढूंढते रहते हैं, बार बार खोजते रहते हैं, मन भयभीत है, मन उजड़ गया है, मन नहीं लग रहा, क्यों? इन मन ही दुर्बलताओं का कारण। शरीर भी तकलीफ देता है बीच बीच में, मन मजबूत है तो शरीर की तकलीफ फिर गौण हो जाती है। भगवान कहते हैं मन समर्थ हो सकता है क्योंकि मन को दुर्बल करने वाली चीज एक ही है, कामना। मन को दुर्बल करने वाली चीज है कामना। जिस काल में जब हम सभी कामनाओं को त्याग कर देते हैं और स्वयं में संतुष्ट होना सीख जाते हैं, इस बात को समझने के लिए गहरी समझ चाहिए, बोध चाहिए। ये जो मैंने वाक्य बोला है भगवान कृष्ण का कहा हुआ, इसको समझने के लिए बोध चाहिए, परसेप्शन चाहिए कि वास्तव में किस काल में हम मन को दुर्बल करने वाले विचारों को रोकें। भला कोई अपने आप में संतुष्ट कैसे रह सकता है, कैसे त्यागे जा सकते हैं संसार की सुविधा और साधन, कैसे रोका जा सकता है मन को कामनाओं से, वासनाओं से कैसे रोका जाए? ये सवाल बड़े कठिन है। सुबह से रात तक हमारे मन में बहुतेरी लालसाएं आती हैं, बहुतेरी कामनाएं आती हैं। एक दिन बाजार निकल जाओ, तुम यहाँ तो बैठे हो बहुत अच्छा लगता है तुमको, जंगल में बैठे हो, सुंदर वातावरण है, सीरीन वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर है। हाँ थोड़ा बाहर निकल जाओ तो थोड़ा सा तुमको इधर यहाँ से शांति कुंज जाते समय रास्ते में बाजार दिखता है, पर इस बाजार को छोड़ो तुम बड़े बाजार की तरफ निकल जाओ, बिग बाजार की तरफ निकल जाओ, मॉल की तरफ निकल जाओ, तो वहाँ के रखी रखी चीज़ें कई चीज़ें लुभाती हैं, कई चीज़ें हमारे अंदर कल्पनाओं को जन्म देती हैं, कामनाओं को जन्म देती हैं, ये काश ये हमारे पास होता। एक बार अगर लगाव पैदा हुआ तो हम हमारे अंदर एक बीज बन जाता है, लालसाएँ पैदा होने लगती हैं और ये रोज पैदा होती हैं जब जब हम ऐसी चीज़ों के थ्रू गुजरते हैं। एक कामना मिटती नहीं कि दूसरी दो चार और पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति में कामनाओं को हटाना लगभग असंभव सा लगता है, कैसे हटाएंगे? यदि कामनाएं जितनी ज़्यादा हैं हमारा मन उतना ही चंचल है, उतना ही बिखरता है। तो भगवान कहते हैं प्रजाहति यदा कामान, त्याग दो कामनाओं को, छोड़ दो कामनाओं से, चिपको मत कामनाओं से, लगाव मत रखो कामनाओं से, दूर चलो। कैसे त्याग दें? त्यागने की बात, छोड़ने की बात, जब हमारे अंदर जीवन की समझ पैदा हो जाए, हमारे अंदर विचारशीलता आ जाए, विवेक पैदा हो जाए, तो फिर अपने आप कामना नहीं आएगी, कामना हमारे डिस्टर्ब नहीं करेगी, कामना हमें विघ्न नहीं डालेगी। इसलिए सबसे पहले हमको अपने अंदर जीवन की समझ, विचारशीलता और विवेक ये पैदा करना पड़ेगा कि भाई कौन सी चीज़ हमारे काम की है, कौन सी चीज़ हमारे काम की नहीं है, हमें क्या करना चाहिए। मनुष्य के कामनाएं परिणाम नहीं लाते। देखो जो परिणाम मिलता है ना, मेरी कामना ये है कि मैं ऐसा बनूं, मेरी कामना नहीं। मनुष्य के शुभ और अशुभ जिन कर्मों का संचय है, और जिन कर्मों का संचय तुम अगले दिनों करोगे, वो अपना परिणाम दिखाएंगे प्रकृति के अनुसार, काल के अनुसार वो अपना परिणाम देंगे। तो शुभ अशुभ कर्मों के परिणाम हैं सारे, कामनाओं के परिणाम नहीं है। कामनाओं का क्या है? कामनाओं तो आप कुछ भी कर लो, आप तो ये सोच लो कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊँ तो, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ तो, काश कि जो कमांडर्स गए थे आर्मी में लड़ने के लिए मैं उनमें से एक में भी होता, ये कामना है, इच्छा है। पर इस इच्छा को फलीभूत करने के लिए, फल रूप देने के लिए हमको बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब हमने कल्पना की तो हमने क्या सोचा, इच्छा उसका मोल क्या है? कभी कभी तो एक कामना पूरी करने में पूरा जीवन गुजर जाता है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि जैसे किसी को MBA करना है, MBA करने के साथ साथ उसको फिर बिजनेस करना है, या
नौकरी करनी है, नौकरी करते करते पैसा कमाते कमाते करीब करीब 40 साल गुजर जाते हैं, 40 साल जीवन के 40 साल निकले, फिर शादी वादी हो जाती है उसके बीच, तो उससे परिवार बढ़ जाता है, फिर MBA के बाद और कुछ करने की कामना करती, फिर कुछ और पढ़ लें, कुछ और कर लें, तो ये एक कामना पूरी होने में पूरा जीवन गुजर जाता है। MBBS मैंने किया, मैंने MD किया, MBBS MD पूरी करते करते मैं 27 साल का हो गया था, 26 पूरा हो गया था मेरा, और लगभग लगभग इसके बाद DM करते हैं, मैंने DM कार्डियोलॉजी के लिए अप्लाई किया था, मन भी हो भी जाता अगर 2 साल मेहनत करता, पर गुरुदेव ने यहाँ बुला लिया, मैं यहाँ आ गया। पर ये सब करते करते डॉक्टर बनते बनते पूरी तरह से डॉक्टर बनते बनते 32 साल 33 साल हो जाते हैं, 34 साल अच्छे बड़े अनुभवी डॉक्टर बनना है, इसके बाद आदमी का जीवन चालू होता है। एक युवक अपने लिए आशा करता है कि अच्छे घर की, हमारा घर ऐसा बने, हमारी बिजनेस बने अच्छा बढ़िया, अच्छे घर की कल्पना करता है, तो उन कामनाओं को पूरी करते करते बूढ़ा बूढ़ा हो जाता है, और जिनके लिए लड़ रहा था, जिनके लिए कर रहा था, वही बड़े हो जाते हैं, वही बड़े होकर के उसी के सामने मुंह पे जवाब देने लगते हैं, वही बच्चे वही नाती पोते हमारे सामने जवाब देने, तब क्या स्थिति होगी। तो अलग अलग तल पर अलग अलग कामनाएं जन्म लेती हैं, अलग अलग तल पर अलग अलग सरफेस के लेवल पर अलग अलग कामनाएं जन्म लेती हैं। कुछ कामनाएं परिस्थिति जन्य होती हैं, कुछ कामनाएं मनस्थिति जन्य होती हैं। दो तरह की कामनाएं होती हैं, परिस्थिति जन्य कामनाएं, मनस्थिति जन्य कामनाएं। हम किसी का अपनापन चाहते हैं, किसी का प्यार चाहते हैं, किसी से संबंध रखना चाहते हैं, वैचारिक कामनाएं, भावनात्मक कामनाएं भी होती हैं। उन कामनाओं के पूरी होने पर हमें सुखद अनुभव होता है, मन शांत होता है, मन अच्छा होता है, प्रफुल्लित होता है, मन पुलकित होता है, और जब नहीं पूरी होती तो हम उतने अशांत और बेचैन हो जाते हैं, जैसे प्रश्न पूछा था। कामनाएं किसी भी तल पर क्यों ना हो, शारीरिक, मानसिक या सामाजिक, हम चाहे हम सामाजिक सम्मान पाना चाहते हो, प्राण पद प्रतिष्ठा चाहते हो, प्रत्येक कामना हमारे मन को व्यथित करती है। कामना जो है हमारे मन को, मन की बैलेंस को, मन की कंट्रोलिंग पावर को गड़बड़ा देती हैं, मथती हैं। क्या कामनाएं छोड़ी जा सकती हैं? मुश्किल है, कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। हम देखते हैं सामान्य जीवन में कामना को पूरा करने के लिए हम यत्न करते हैं तो जितने स्थिर होते हैं, जितना उस काल में अन्य कामनाओं से विहीन होते चले जाते हैं, मन उतना ही हमारा स्थिर होता चला जाता है। सबसे बड़ा उपचार है मन की स्थिरता, मन की एकाग्रता, मन की तन्मयता, मन की तल्लीनता। स्थिरता, एकाग्रता, तल्लीनता, तन्मयता, जैसे जैसे डेवलप करोगे उतनी शीघ्र तुम्हारी वो कामना पूरी हो जाएगी जिस कामना को लेकर तुमने स्थिरता पैदा की थी। अभी अभी पेपर में आया, एक लड़की के बारे में आया, गजल नाम की लड़की, मुस्लिम लड़की, उसने गांव में रहकर IAS की तैयारी की और कामना क्या की कि मैं IAS ऑफिसर बनूंगी। तो उसने मेहनत इतनी ज़्यादा की और उसने पढ़ाई भी की, एक्यूमेंट भी था उसका, पोटेंशियल था उसका, उसने गांव में रह करके IAS की परीक्षा उत्तीर्ण की। ज़्यादा सुविधा साधन नहीं, ज़्यादा सरंजाम नहीं कि IAS की कोचिंग कर सके, बिना कोचिंग के पढ़ाई करके उसने अपने आप को एक स्ट्रेटजी बनाई, रणनीति बनाई और परीक्षा में सफलता प्राप्त की। अब वो थोड़े दिनों में कहीं ना कहीं किसी जगह ऑफिसर बनेगी। ये मनोबल की दृढ़ता है जो आदमी की मनोकामना को पूरी कर देती है। कामना है, पर कामना को आपने अपने संकल्प में, जो कामना को जब संकल्प में कन्वर्ट कर देते हैं, परिणित कर देते हैं, व्हेन यू ट्रांसफॉर्म योर मनोकामना टू संकल्प शक्ति, संकल्प में कन्वर्ट कर दिया तो बदल जाता है। एक दूसरी लड़की का उदाहरण सामने आया, दिल्ली की एक लड़की है, BSNL में उसके फादर काम करते हैं, 22 साल की लड़की, उसने पूरे भारतवर्ष में टॉप किया। वो अधिकारी बहुत छोटा लेवल का, कोई बहुत बड़ा अधिकारी नहीं, पर 22 साल की उम्र में उसकी बहुत बड़ी सफलता है, उसने पूरे इंडिया में ऑल इंडिया टॉप किया इस साल। यहाँ वो हरियाणा जाना चाहती है, उसने कहा मैं हरियाणा जाना चाहती हूँ। क्यों भाई, हरियाणा क्यों जाना चाहती है? हरियाणा में जाकर महिला सशक्तिकरण पर काम करना चाहती है। उसने कहा हरियाणा में सबसे ज़्यादा महिलाओं पर वो होता है, टॉर्चर होता है, काम नहीं करने देते महिलाओं को, महिलाओं को अधिकार नहीं मिलते, महिलाओं के अधिकार नहीं मिल रहे। तो वो कहती है हरियाणा में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, अगर हरियाणा में उसकी पोस्टिंग होगी तो महिलाओं की उन्नति प्रगति के लिए बहुत काम कर सकते हैं। कई बार जब हम बहुत महत्वपूर्ण सफलताएँ देखते हैं तो उसके पीछे उतनी ही मानसिक एकाग्रता, उतनी सामर्थ्य दिखाई पड़नी चाहिए। जो भी सफलता है उसके पीछे मानसिक एकाग्रता है और सामर्थ्य है। जो भी आप में से फर्स्ट आया है इस साल,
इस लास्ट एग्जाम में जुलाई में, उसके पीछे मानसिक एकाग्रता है, तन्मयता है, तल्लीनता है, और भी लोग थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो फर्स्ट फाइव आए, उन सब के अंदर कोई ना कोई गुण होंगे तल्लीनता के। तो जो सफलता के अनुरूप साधन पाना चाहते हैं उनको सबसे पहले अपने मन को मजबूत बनाना पड़े, हमारा मन, हमारा माइंड पावर, मन की शक्ति, उसको हमें भटकने नहीं देना चाहिए, बचाना चाहिए। एक फकीर हुआ है वालशेम अपने जीवन में सत्य की तत्व की अनुभूति करना चाहता था। सूफियों में हदीस की एक शाखा है, हदीस यानी पौराणिक कथाओं को बोलते हैं, हदीस की एक शाखा, उसका जन्मदाता है। वालशेम रोज जाता, दूर जाके नदी के किनारे बैठ जाता था और नदी के किनारे बैठ के लहरों को देखता रहता था, और देखते देखते मन उसका एकाग्र हो जाता, तल्लीन हो जाता था। एक आदमी वहाँ से गुजरता है, वो कहता है ये आदमी रोज आता है, रोज निकल जाता है, अकेला आता है, बैठता है नदी किनारे, कुछ नहीं करता, कोई काम नहीं करता, नदी किनारे बैठा रहता है, क्या करता है? तो उससे रहा नहीं गया, उसने कहा भैया हमने आपकी दिनचर्या देखी और हमें लगता है कि कोई विचित्रता है आपकी, आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? तो वालशेम ने मुस्कुरा के कहा भाई तुम क्या करते हो? बोले मैं तो पहरेदार हूँ इस बंगले में, कौन आता है कौन जाता है ये देखता हूँ, छानबीन करता हूँ, किसी गलत आदमी को जाने नहीं देता, कोई चोर उठाई कर जा नहीं सकता मेरे रहते हुए, मैं पहरेदारी करता हूँ। वालशेम हंसा, मैं भी पहरेदारी करता हूँ, मेरे मन में क्या विचार आ रहे हैं, अच्छे विचार आ रहे हैं बुरे विचार आ रहे हैं, मैं उन अच्छे विचारों की पहरेदारी करता हूँ, अच्छे विचारों को अंदर आने देता हूँ, बुरे विचारों को नहीं आने देता, मैं रोक देता हूँ, मैं भी पहरेदार एक प्रकार मन की पहरेदारी करता हूँ, काफ़ी सफलता मिली है। तो तुम ये लहर के किनारे बैठ के क्या करते रहते हो? नदी के किनारे बोले बड़ा मन, नदी को देख के बड़ा मन शांत हो जाता है, नदी कभी शांत है, कभी लहरें बहुत तेज हो जाती हैं, कभी हवा के प्रवाह में लहरें दिखाई देती हैं, तो लहरों को काउंट करता रहता हूँ, धीरे धीरे मेरा मन लग जाता है, मेरा मन भटकता नहीं है, कोई भी विचार, कोई भी कामना, कोई भी वासना मेरे मन में नहीं आती। जैसे तुम्हारे यहाँ बंगले में कोई नहीं घुस पाता, ऐसे मेरे मन में भी कोई इस मन रूपी बंगले में कोई घुस नहीं पाता, मैं इसी का प्रयास करता हूँ। कोई भी वासना, कोई भी लालसा, आजकल मैं कई वर्षों से पहरेदारी करने लगा हूँ, मेरा मन इससे ज़्यादा लगता है। लोग जप करते हैं मित्रों, पर जप करते हैं मन न जाने कहाँ रहता है उनका, मन न जाने क्या ढूंढ रहा है, कि न जाने तुम्हें फ़ोन बज गया, जोर से चिल्लाया, अरे भाई फ़ोन बज रहा है, सुन नहीं रहे हो कुछ लोग, आपने कैसे सुन लिया, आपका मन नहीं लग रहा था। आज खाने में क्या बन रहा है, पूजा कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, माला करते करते आज खाने में क्या बन रहा है, खुशबू तो उसकी आ रही है, जो भी आ रही है खुशबू, तो पत्नी कहती है आप अपना मन लगाओ पूजा में, जो भी लगा रहे हो, जो भी कर रहे हो, क्या बन रहा है इस पे हमारे पे छोड़ दो, खाने को मिलेगा सबको। एक्चुअली हमारा मन जो है ना बड़ा चंचल है, मन चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी बलवद्रणम, प्रमथन स्वभाव वाला, जबरदस्ती खींच लेने वाला एक तरफ, जब तक कुछ न कुछ विचार घुसता रहता है। तो वो कहते हैं प्रजाहाती यदा कामन, मन में जो भीड़ जमा है, जो कामनाएं जन्मी हैं और जन्म लेकर के जम गई हैं घर में अपने इसमें, उनको निकालना है, और जो नई हैं उन्हें नहीं आने देना है, जो नई हैं उनको नहीं आने देना है, उनको खाली करना है। पहरेदार ने कहा अच्छा है, नई पहरेदारी तुमने बताई, ये हमने पहली बार सुनी है, हम भी ऐसी पहरेदारी करेंगे। और आपको आश्चर्य होगा कि वो पहरेदार वालशेम का पहला शिष्य बना, वो जो वालशेम का पहला शिष्य बना वो पहरेदार, क्यों? क्योंकि उसने सीख लिया मन पे कंट्रोल करना। ये गुरुदेव ने अखंड ज्योति में लिखा था एक बार, बहुत बढ़िया वाक्य है, मन को आवारा कुत्तों की तरह भटकने न दें, मन को आवारा कुत्तों की तरह भटकने न दें। जहाँ तक मन भटकता रहता है, योगी मन पे काम करता है, योगी का काम क्या है, मन पे एकाग्र हो के वो समझ, वो सोच, वो विवेक पैदा करता है। कई बार हम त्याग करते हैं, हमने त्याग कर दिया। क्या त्याग है तुमने बताओ? जैसा हमने घर छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, पैसे का कलेक्ट करना छोड़ दिया, अब हम वो करेंगे, त्याग करने के बाद संन्यास लेंगे। आडंबर रचते हैं, हमने आज ये त्याग दिया, कल वो त्याग दिया, परसों वो त्याग दिया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है वैराग्य के कई रूप होते हैं, एक मर्कट वैराग्य होता है। मर्कट किसको कहते हैं मालूम है तुमको? बंदर को, है ना?
बंदर का वैराग्य कैसा होता है, मरकट वैराग्य में बदारी आता है, बंदर बंदरिया का खेल दिखाता है, तमाशा दिखाते हैं। ये रामकृष्ण परमहंस अपनी कहानी में सुनाते थे। बंदर अपनी बंदरिया से रूठ जाता है, बंदरिया कभी बंदर से रूठ जाती है, खेल है, सिखाया है, ट्रेन किया है, रूठ के चल देती है या बंदर मनाता है उसको, और बंदर रूठ जाता है तो बंदरिया मनाती है, रूठ करके फिर घर आ जाती है। इसी तरह का त्याग करता है, बंदर की तरह का त्याग करता है, आदमी भी त्याग करता है। मैं तो छोड़ के चला जाऊँगा, हिमालय चला जाऊँगा, मान लो पत्नी कहते हाँ जाओ, बड़ी दिक्कत है, जाए कैसे, ये तो हम तो केवल धमकी दे रहे थे। घर में झगड़ा हुआ, परेशानी हुई, घर छोड़ दिया, बोलो त्याग कर दिया, गेरुआ पहन लिया, संन्यास ले लिया। आप पता लगाओ जाता सन्यासी क्या कर रहे हैं। करीब करीब 2 करोड़ संख्या है सन्यासियों की जो भगवा वस्त्र पहने हुए हैं। गुरुदेव के जमाने 56 लाख थी, अब 2 करोड़ हो गए। सड़क में गली में घूमते हैं, सुबह सुबह 6 बजे आप निकल जाएं तो सुबह 6 बजे आपको लाइन लगी हुई मिलेगी हर आश्रम के सामने। हर आश्रम में कुछ न कुछ मिलता है। तो एक जो दूसरे वाले आ रहे हैं उधर से उनसे पूछते हैं, तेरे यहाँ तुम उस आश्रम में क्या मिल रहा है? वहाँ हलवा मिल रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ चना मिला हमको, तुमको हलवा मिला है। मतलब सारा मन, सारा कंसेंट्रेशन, सारी कामनाएं वहीं टिकी हुई हैं। वो काम जो छोड़ा था, त्याग किया था ना, वो त्याग बेकार था। ज्यादातर सन्यासी क्या करते हैं, सन्यासी के कपड़े तो पहने हुए हैं पर जोड़ते रहते हैं, संग्रह करते रहते हैं। त्याग हुआ, त्याग की बात बनी, लेकिन रोग नहीं गया, रोग नहीं गया, संग्रह करने का रोग नहीं गया। ये संग्रह करना एक रोग है, ये रोग बढ़ता चला जाता है। अन्य क्षेत्र में जाते हैं, जो कुछ मिलता है, छाता दिया किसी ने रख लिया, घड़ी दी किसी ने दी, एक नहीं, 10 नहीं, 50, जितने साधु सन्यासी हैं इनके पास इतने सारे सामान मिलेगा, इतना सारा सामान मिलेगा कि इकट्ठा करते रहते हैं, झोला झोला भर घड़ियाँ, झोला झोला भर चीज़ें इकट्ठी करते हैं, फिर इनको बेचते हैं, इनको बेचते हैं, बेच करके पैसे इकट्ठा करते हैं, और पैसा इकट्ठा करके अपने घर वालों को भेजते हैं जिनको छोड़ के आए थे। नाती पोते बड़े हो गए होंगे, उनके लिए भेज रहा हूँ पैसे, यहाँ से मनी ऑर्डर करते हैं। ये चलो ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, ये इन सामान को बेचा। जो रोटियाँ इकट्ठी करते हैं जगह जगह से, उन रोटियों को बेच देते हैं। वो तीर्थयात्री ऋषिकेश और हरिद्वार में आने वाले ये नहीं जानते कि वो जिस होटल पे खाना खा रहे हैं वो रोटियां बिकी हुई रोटियां हैं। किसी भिखारी ने, भिखारी मतलब वही वैरागी, किसी भिखारी ने रोटियां मांगी, वो रोटी ला करके इनको बेच दी, उन रोटियों को ही उसने गर्म करके और दूसरों को खिला दी। अब वो रोटी बेच दी तो रोटी बेच के पैसा मिला, वो पैसा भी घर वालों को। अब कहाँ वैराग्य रहा बताओ? घर से अटैचमेंट यथावत है, घर से अटैचमेंट है, घर से भी मोह तो घर से है ही, बिल्कुल जरा भी नहीं गया। त्याग ये नहीं होता, त्याग के अर्थ गहरे होते हैं। प्रशंसा पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए भी त्याग होता है। हमने छोड़ दिया, हमको राज्यसभा का पद दिया, हमने छोड़ दिया, तो बहुत अच्छे कमेंट्स आए, बहुत बढ़िया, डॉक्टर साहब से ये उम्मीद थी, डॉक्टर साहब से ये उम्मीद थी, ये उम्मीद थी। पर 2-3 लोगों ने ये लिखा, डॉक्टर साहब ने प्रशंसा पाने के लिए त्याग किया है। अच्छा ये बताओ कि त्याग करके प्रशंसा पाने से के बजाय पैसा पाना ज़्यादा अच्छा था? 6 करोड़ रुपया पूरी टेन्योर में पर ईयर मिले अगर, और अगर उसके बाद फिर कंटिन्यूस पेंशन मिले, मकान मिले, साधन मिले, वो ज़्यादा अच्छा था कि ये छोड़ना अच्छा था? छोड़ना सबके लिए संभव नहीं है, छोड़ना इतना आसान नहीं है, छोड़ना सबसे मुश्किल काम है। हाँ पकड़ने में तो आसानी है, क्योंकि हाथ 5 उंगलियाँ दे रखी ना भगवान ने, तो पकड़ लिया, तुरंत पकड़ लिया। ये जो त्याग का अर्थ है, रामकृष्ण कहते हैं आज जो है मरकट वैराग्य है, और मरकट वैराग्य जो है वो इतना कॉमन हो गया है कि जैसे मैंने बताया था ना कि पत्नी से नाराज हो गया क्योंकि खाने में नमक ठीक से नहीं डाला था, सामान उठाया पहुँच गया काशी, घर वाले पहुँचे तो पत्नी से बात करने से मना कर दिया, साली पहुँची कहा जिया जी नमक ही तो कम पड़ा था ना, अब मैं डालूंगी नमक, आप चिंता मत करो, चलो मेरे साथ वापस चलो, चले जाते हैं। असली वैराग्य होता है उसका नाम है विविदिशा वैराग्य। विविदिशा जो है ये स्वामी विवेकानंद का लास्ट बटवन नेम था, मतलब 3-4 नाम थे उनके, उसमें विविदिशानंद नाम था उनका। उसके बाद असली नाम जो बाद में खिचड़ी के महाराज ने स्वामी विवेकानंद दिया था, विविदिशा वैराग्य। विविदिशा वैराग्य में विचार होता है, विवेक होता है, त्वरा होती है, कुछ करने की दिखाने की आकुलता होती है, तड़प होती है, अपनी दुर्बलताओं से पार जाने का संकल्प होता है, इसमें विकल्प नहीं होता, नहीं है अब आ जाएंगे वापस,
अब आ जाएंगे, अब कोई बुलाने आएगा मनाने आएगा तो हम चले जाएंगे वापस, ये नहीं होता। रामकृष्ण के पास विवेकानंद आए, उनके पिता का स्वर्गवास हो चुका था, कहानी सबको मालूम है। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, पिताजी कर्जे में मरे थे क्योंकि उनके चचेरे भाई ने, पिताजी के चचेरे भाई सारा हिसाब देखते थे, उन्होंने इतना घपला कर दिया था कि पूरा के पूरा कर्जा इन्हीं के ऊपर चढ़ गया। रामकृष्ण के पास आए, क्यों खाना खाया आज तूने? नहीं, है ही नहीं घर में कुछ। तो बोले कि काली माता से आपका संवाद होता है, कुछ मेरे लिए तो मांगिए, जगत तारिणी भवतारिणी संसार की आदि शक्ति, संसार के घटनाक्रमों पर उनका नियंत्रण है, आप उनसे कुछ कहिए ना मेरे लिए, कम से कम एक समय मेरे घर वालों को एक समय का भोजन मिल जाए, मुझे नहीं मिले कोई बात नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं अर्धविक्षिप्त की तरह घूमते थे, माँ पूछती खाना खा लिया, थोड़ा सा भोजन होता था, छोटे भाई बहन थे, वो कहते थे हम बाहर से खाकर आए हैं, जबकि नल से पानी पी के आ जाते थे। रामकृष्ण ने कहा तू तो सच्चिदानंद रूप भगवान को मानता है, शक्ति को नहीं मानता, काली को नहीं मानता, पर काली तेरी मनोकामना पूरी कर सकती है, काली तेरी मनोकामना पूरी कर सकती है। बोले बात मेरी इच्छा की नहीं है, इच्छा पूरे परिवार की है, परिवार को मुझे ठीक रखना है, इसलिए भले घर वालों को चावल मिल जाए, भात मिल जाए, शाक मिल जाए, इतना हो जाए तो बहुत है। रामकृष्ण ने कहा चल कोई बात नहीं, हम माता काली से बात करते हैं। उन्होंने कहे पंचांग देखा, उन्होंने कहा देख आज का दिन बहुत अच्छा है, आज अष्टमी भी है, शनिवार भी है, माँ का दिन है आज, माँ प्रसन्न है आज, मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले, मैं मिल के आया तो माँ से बात हुई, तुझसे खुद मिलेंगी, बात करेंगी, तो आज जा मंदिर, अपनी मन की बात खुद कहना, स्वयं कहना। स्वामी विवेकानंद पहुँचे भवतारिणी के मंदिर, काली को साक्षात उन्होंने प्रत्यक्ष वहाँ देखा, पूरे विराट रूप में, वैभवशाली विराट रूप जो माँ का होता है काली का, स्वयं महाकाली उनके सामने थी, आदिशक्ति जगन माता संपूर्ण वैभव के साथ मुस्कुरा रही थी खूब अच्छी तरह से, ऐसी अनुभूति की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, कामना भी नहीं की थी। रामकृष्ण ने कहा था तुम जो मांगोगे वही सब मिलेगा, कुछ भी मांग लो। अब उनको समझ में नहीं आया क्या मांगे, इतनी ऐश्वर्यशालिनी, इतनी बड़ी शक्तिशाली शक्ति, और उससे मांगे तो चावल मांगे, सब्जी मांगे घर वालों के लिए, नहीं नहीं निकला। तू आज जो चाहती चाहता है वो मैं सब दे दूंगी, बोल क्या चाहता है, माँ भक्ति दे ज्ञान दे वैराग्य दे, भक्ति दे ज्ञान दे वैराग्य, एक बार निकला, दूसरी बार निकला, तीसरी बार निकला, और तीन बार निकलने के बाद भगवान रामकृष्ण परमहंस ने कहा कैसा बेवकूफ है तू, मैंने तेरे को तीन बार भेजा और हर बार तू होश में नहीं रहता, कुछ कुछ का कुछ बोल के आ जाता है, तू जन्मजात सन्यासी है पर अपने घर की तो सोच, देखो गुरु किस तरह से शिष्य को अच्छी तरह से हंटर लगाता है, अच्छी तरह सोच अपने घर के बारे में सोच, घर वाले सब भूखे मरेंगे, जा यही ठाकुर है रामकृष्ण परमहंस जो कहते थे भगवान के पास गए और एक किलो आलू लेके आ गए। ये कैसे है भगवान के पास एक किलो आलू लेने गया था कि भगवान के पास सिद्धियां लेने गया था, भगवान के पास कुछ और शक्ति लेने गया था। हर बार बोले मुझे ये मेरे मुँह से कुछ नहीं निकलता, मुझे ज्ञान भक्ति वैराग्य का शब्द निकलता है। तू तो कहता है घर में समस्याएं हैं, दो दो दिन तीन तीन दिन खाना नहीं बनता, जा एक बार फिर कोशिश कर, ऐसे तीन बार कोशिश कर ले, मैं नहीं मांग सकता, संसार की स्वामिनी खड़ी हैं, उनसे केवल भात मांगूं, मेरा जीवन धन्य नहीं, मेरा जीवन बेकार है अगर मैं उनसे ये चीज़ मांगूं। रामकृष्ण ने कहा तू धन्य है, ये तुम्हारी परीक्षा थी, ये तुम्हारी परीक्षा थी, तुम्हारे मन की परीक्षा, जब सब कुछ तुमको मिल सकता है, सब कुछ संभव है, तुमने स्वयं देखा कि तुम चाहते तो धन दौलत कोठी बंगला सब कुछ मांग सकते थे अपनी माँ अपने परिवार के लिए, जो सर्व समर्थ है वो तुम्हारे सामने है, उसके बाद भी तुम्हारे मन में कामनाएं अंकुरित नहीं हुई, इससे बड़ा वैराग्य कुछ नहीं हो सकता, तू जन्मजात वैरागी है नरेंद्र, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरे घर की चिंता मैं करूँगा, आज के बाद तेरे घर की चिंता मैं करूँगा, सब घर में सब ठीक ठाक चलेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, तू परेशान मत हो, और तू मेरे पास आके खाना खा लिया करना, बस तू मेरे पास आके बैठ जाना। मानस पुत्र थे उनके, संसार के बीज तुम्हारे मन में कितने अंकुरित होते हैं, वासना कितनी अंकुरित होती हैं, ये मैंने देख लिया, तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। भगवान कहते हैं सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में जो भी है प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, उनको छोड़ दो, जो मन में है उनको छोड़ दो, मन को कामना शून्य और वासना शून्य बना दो, कामना शून्य वासना शून्य चाहतों से शून्य, ऐसा मन हो जाए, इस तरह का मन हो जाए कि जितने भी हमारे उच्च उद्देश्य ऊंचे लक्ष्य हैं शेष लक्ष्य उनके लिए हम जिएं,
बस यही मन में आए, हे भगवान अगर हमारा जीवन लगे तो राष्ट्र के लिए लगे, हमारा जीवन लगे तो संस्कृति के उत्थान के लिए लगे, ये हमारे अंदर अगर आने लगे तो भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं और उस परीक्षा में आप सफल हो जाएंगे। परीक्षाएं सांसारिक नहीं हैं, आध्यात्मिक हैं, तो मन को और अधिक समर्थ बनाना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि तंत्र में और जब वैदिक साधनाओं में भी कई तरह के आकर्षण दिखाई पड़ते हैं, उसमें भी बड़ी परीक्षा होती है, आध्यात्मिक परीक्षा होती है। रामकृष्ण कहते थे जो नमक का हिसाब कर लेता है वो शक्कर का भी हिसाब कर लेगा, जो नमक का हिसाब कर लेता है वो शक्कर का भी हिसाब कर लेगा। MBA इन साल्ट तो नहीं मैनेजमेंट तो नहीं होता, MBA इन शुगर मैनेजमेंट तो नहीं होता, अलग से अलग अलग तो नहीं होते ना, एक ही जगह एक ही चीज़ होती है। संसार में सफलता पाना उसी मन को मोड़ देना है, जो स्पिरिचुअलिटी में जो फिजिकल वर्ल्ड में सफल हो सकता है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सफल हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे सफलताएँ आध्यात्मिक जीवन की हो, दोनों ही स्थितियों में या संसार की हो, दोनों ही स्थितियों में मन को मजबूत बनाना पड़ता है, मन को सक्षम बनाना पड़ता है। जब स्थिरता और एकाग्रता चरम पर होती है, शिखर पर होती है, उस शिखर की स्थिति का नाम है स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ, STHITPRAGNA प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ। प्रज्ञा यानी शुद्ध बुद्धि, परिष्कृत बुद्धि, परिष्कृत मन, परिष्कृत विचार, परिष्कृत मन, परिष्कृत बुद्धि, परिष्कृत विचार तब मिलता है जब स्थित हो जाते हैं हम, एक जगह आ जाके स्थित हो जाते हैं। परिष्कृत बुद्धि का नाम प्रज्ञा है। बुद्धि तो है दैनिक जीवन में, हम कल्पना करते हैं, विचार करते हैं, बुद्धि से काम करते हैं, पर जैसा गीता में कहा गया और इसी बात को रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, व्यापारी बुद्धि नहीं होना चाहिए, व्यापारी बुद्धि नहीं, इसने व्यवसायिक बुद्धि कहा है गीता ने। प्रत्येक कामना अपनी पूर्ति की राह में हमारी बुद्धि को दूषित करने पर विषय विवश करती है। तुम जो बोले थे ना पॉल्यूशन, थॉट पॉल्यूशन, तो हमारी प्रज्ञा को, बुद्धि को प्रदूषित करने का काम करती रहती है प्रत्येक कामना। जब हम कोई कामना लेकर चलते हैं तो प्रत्येक कामना के सफर में, प्रत्येक चाहत के सफर में हमारी प्रज्ञा, हमारी बुद्धि प्रदूषित होती है। कुछ न कुछ चालाकी, कुछ न कुछ फरेब, कुछ न कुछ चतुराई का जाल हम रचते हैं। एक महान दार्शनिक हुए हैं इमैनुअल कांट, तुम लोगों ने नाम सुना है, कांट का नाम सुना है, फिलोसोफर थे, एक दार्शनिक थे। कांट को विवेकानंद ने पूरी गंभीरता से पढ़ा था अच्छी तरह से। थोड़ा सा उनके विचार उच्च कोटि के हैं, जटिल भी हैं, बड़े कठिन विचार हैं। उनकी जो हिंदी में अनुवाद छपा है शुद्ध बुद्धि मीमांसा, शुद्ध बुद्धि मीमांसा, इमैनुअल कांट का। तो विवेकानंद कहते हैं मैंने उनको पढ़ने की कोशिश की, मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि इमैनुअल कांट, आई कांट, मैं नहीं पढ़ सकता उसको, मैं नहीं पढ़ सकता, आई कांट, मैं नहीं कर सकता। आई कांट जो थे ये, इन्होंने, इनको श्री अरविंद ने पढ़ा, श्री अरविंद ने पढ़ा और उन्होंने उसके बाद उसके आधार पर लिखना चालू किया, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, ब्रह्मवादिन, कर्मयोगिन पत्रिका निकाली, पांडिचेरी गए, पांडिचेरी में आध्यात्मिक लेखन चालू किया, स्पिरिचुअल राइटिंग्स, उनकी अपनी पत्रिका निकलती थी आर्यन, एसेंस ऑफ गीता, लाइफ डिवाइन, ह्यूमन साइकिल, ये सब उसमें से निकल गए। हमारे भारतीय संस्कृति का जो इतिहास है बड़ा महत्वपूर्ण इतिहास है। हमारे यहाँ गीता से लेकर के पीछे जाएं अगर हम वेद तक, पूरक पूरा ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद पूरक पूरा, ये कविताओं की, कवियों की कविताएं हैं, कवियों की कविताएं हैं एक प्रकार से। ऋषि को हमारे यहाँ कवि कहा गया है, ऋषि को हमारे यहाँ कवि कहा गया है, कव्य, कवि यानी जो मन में से काव्य निकला, भाव निकला, चाहे वाल्मीकि का निकला हो चाहे किसी का भी निकला हो। ये जो श्री अरविंद थे उनसे पूछा, मदर के हस्बैंड थे श्री मदर, श्री माँ के पॉल रिचर्ड, उन्होंने कहा कि आप इतना कैसे लिख पाते हैं, इतना दर्शन कैसे लिख पाते हैं, इतना गंभीर। बोले हमारे लिए लिखना तो दूर, उसको पढ़ना भी असंभव है, हम तो स्वाभाविक रूप से कवि हैं, और कवि क्या होता है, लिखता चला जाता है बस, जो कल्पनाएँ आती हैं तो क्या है, कवयः ऋषियः, ऋषियः सत्य द्रष्टारः, ऋषि सत्य के दृष्टा होते हैं, उनको दिखाई पड़ता है सामने, ये पूरक पूरी ऋचा दिखाई पड़ती है, वेदों की ऋचाएँ दिखाई पड़ती, उपनिषद की ऋचाएँ दिखाई पड़ती, तो सत्य को देखते हैं वो अपनी दिव्य दृष्टि से, और देख करके बोलते चले जाते हैं, वो कोई सुनता है ऋषि, दूसरा उनका अनुचर जो है वो सुनता है, तो वो उसको याद कर लेता है, वो फिर अपने शिष्य को सुनाता है, सुनते 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 एक युग ऐसा आता है जब ये सब चीज़ें प्रिंट में आ जाती हैं, और धीरे देखते देखते आज हमारे पास
कितनी सारी चीजें आ गई हमारे पास। उन्होंने कहा हम दार्शनिक नहीं है, हम तो कवि हैं। जैसे जैसे हमारा मन परिष्कृत होता चला गया, प्रज्ञा स्थिर होती चली गई, वैसे हमारा मन फूटने लगा। श्री अरविंद ने लिखा है, जैसे जैसे मैं अपना योग साधता गया, जैसे जैसे मेरा मन मुक्त होता गया, स्थिर होता गया, वैसे वैसे मैंने अपने आप को ऊंचा उठाया, मैं ऊंचा उठता चला गया। दर्शन पढ़ने के बाद छुट्टी रह गई, अंदर से दर्शन प्रकट होने लगा, लाइफ डिवाइन लिखी मैंने। फिर संसार ने जाना लाइफ डिवाइन पुस्तक है, वो क्रिटिकल प्योर विजन यानी कांट की किताब से भी ज़्यादा उत्कृष्ट है। लाइफ डिवाइन पुस्तक को पुरस्कार मिला है और कांट से ज़्यादा इसको सम्मान मिला है। स्थित प्रज्ञ जो है, स्थिति में आने के बाद ही ऐसा अच्छा लेखन संभव हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने स्थित प्रज्ञ स्थिति में जाने के बाद ही ऐसी किताबें लिखी हैं। इतनी विलक्षण साहित्य है गुरुदेव का, जो सारा साहित्य पढ़ने के बाद जो व्यक्ति सही अर्थों में जिसने कि समझा है साहित्य को, मर्म को, वो बड़ा भाव विभोर होकर कहता है कि ऐसा मैंने साहित्य कभी नहीं पढ़ा। प्रज्ञा के स्थिर होने पर ही संभव हो पाता है, प्रज्ञा के शुद्ध परिष्कृत होने पर ही संभव हो पाता है। मन में उठने वाले विचार और संकल्प बिना कर्म के पूरे हो जाते हैं। इतनी ऊर्जा, इतनी प्रचंड शक्ति होती है विचारों में, मन के विचारों में। योगी का संकल्प, तपस्वी का संकल्प प्रकृति का विधान बन जाता है। योगी का संकल्प, तपस्वी का संकल्प प्रकृति का विधान बन जाता है। अगर वो लिखता है कि ऐसा होगा तो ऐसा होकर के रहेगा। 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य होकर के रहेगा, 21वीं सदी नारी सदी होकर के रहेगी। जो गुरुदेव ने कहा और जो गुरुदेव कह गए, या जो श्री अरविंद कह गए, या स्वामी विवेकानंद कह गए, ये उनका संकल्प है, तपस्वी का संकल्प है। जिन दिन मन बहुत स्थिर हो जाता है उन दिन कुछ भी संभव होता है, कुछ भी हम कर सकते हैं, कुछ भी जो चाहें। नजहाते यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, कामनाओं को छोड़ जाने के बाद जीवन के तत्व को हम समझ पाते हैं। कामनाएं महज मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है। आपको शेक्सपियर कहानी मालूम होगी जिसमें कि शेक्सपियर सोच रहा था कि ऐसा होगा, ये जो एक घड़ा दही मेरे पास है इसको मैं बेच दूंगा तो ये होगा, इतना पैसा आएगा, इस पैसे से मैं ये खरीदूंगा, फिर मैं उसके बाद एक शादी करूंगा तो पत्नी आएगी, बच्चे आएंगे, बच्चों के भी बच्चे होंगे तो नाती पोते भी होंगे। अब वो सोच रहा है शेक्सपियर, और जब सोचते उसने कहा कि अरे बच्चे क्या कर रहे हो आप, बच्चे उसी के ऊपर कूद रहे हैं, कल्पना में, कामना में मेरे ऊपर कूद रहे हैं। तो उसने जोर से लात मारी तो दही की हांडी फूट गई और शेक्सपियर का पूरा सपना टूट गया, उसने कहा सब समाप्त हो गया। ये जो है जिस शेक्सपियर की तरह से हम विचार करते हैं, इधर को उधर सोचते रहते हैं, होना जाना कुछ नहीं है। क्या करें, मन को उद्वेलित करेंगी, उत्तेजित करेंगी कामनाएं, मन को भटकने न दें, ऐसी चीज़ों से क्या फ़ायदा। पहरेदारी करो कि अंदर कोई ज़बरदस्ती कोई फालतू चीज़ तो नहीं घुस रही। योग निकेतन ट्रस्ट है एक ऋषिकेश में, मैं उन स्वामी जी से मिला हूँ, स्वामी योगानंद से 1978 में मिला था उनसे पहली बार, हिमालय का योगी उनकी किताब है दो खंडों में। उन्होंने लगभग अनुष्ठान किया, उन्होंने 3 वर्ष की अवधि में गंगा जी में खड़े होकर के 1 करोड़ गायत्री का जप किया और गुरुदेव के पास आते थे, गुरुदेव को प्रणाम करते थे, 125 माला रोज करते थे। उन दिनों कश्मीर गए, अमरनाथ के दर्शन किए, ऐसे किसी परिवार में घुल मिल कर बातचीत करने लगे। छोटी सी बच्ची थी, उसने ऐसी मजाक में पूछ लिया कि मेरा पति कैसा होगा, तो उन्होंने ऋषि सत्य बोलेगा हमेशा, उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा, तेरा पति काना होगा, आँख नहीं होगी उसकी, एक आँख नहीं। अब नहीं बोलना चाहिए, आपकी जब स्थिति ऐसी हो जाए जिसमें कि आपकी मनस्थिति प्रचंड स्थिति हो जाए तो न जाने क्या स्थिति क्या हो गया कि जो उन्होंने बोला वैसा ही हुआ। ढूंढते ढूंढते वो सारे, वो लड़की इतनी सुंदर, जो भी मिला वो एक आँख का मिला, जो भी मिला तो एक आँख का लड़का वो मिला। उसको पता नहीं नियति थी, प्रकृति थी, या मन का संकल्प था, जो निकला वो सही हो गया। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि उन लोगों को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मुँह से निकला हुआ वाक्य सत्य हो जाता है, और जहाँ के सत्य हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मन इतना सक्षम होता है, इतना ऊर्जा संपन्न होता है, रमण महर्षि कहते हैं 3 चीज़ें को ध्यान रखना चाहिए, वाक संयम, शरीर संयम और विचार संयम, वाणी का संयम, शरीर का संयम और विचारों का संयम। संयम के 3 रूप हैं। व्यवहार में हम कुछ उल्टे पुल्टे कार्य कर दें ऐसा संयम रखना पड़ता है।
संतुलित संयमित व्यवहार हो, वाक संयम, बोलने पर संयम, कुछ भी कुछ नहीं बोलना। रामकृष्ण कहते हैं जिस वाणी से हम मंत्र का जप करते हैं, जिस वाणी से हम मंत्र जपते हैं, जिस वाणी से हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया जैसे मंत्र में जपते हैं, उसी वाणी से हम गाली भी देते हैं, चुगली भी करते हैं, निंदा भी करते हैं। अरे वाणी तो वही है, वाक को देवी मानो। वाक को वेदों में देवी कहा गया है, जगन माता कहा गया है, उससे हम गलत कैसे बोल सकते हैं। तो वाक संयम करो, संतुलित बोलो, कम बोलो। संयम का तीसरा रूप सामने आता है विचार संयम, सोचने पर संयम, कंट्रोल करना, थॉट मैनेजमेंट। क्योंकि जो सोचता है वो होने लगता है, उसके मन में भाव उठते हैं, वो साकार होने लगते हैं, इसलिए विचार संयम, विचार संयम। भगवान श्री राम के लिए कहा गया है राम सत्य संकल्प प्रभु। राम ऐसे भगवान हैं जिनका संकल्प सर्वदा सत्य होता है, असत्य संकल्प होता ही नहीं। हमारे मन में कई बार मन में आता है बात कि एक त्यागी को बड़ा सम्मान मिल रहा है, काश हम भी त्यागी होते। एक मुनि थे, बड़े अच्छे मुनि, जैनियों मुनि होते हैं, दो तरह के मुनि, श्वेतांबर एक दिगंबर। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, दिगंबर जो हैं वस्त्र नहीं पहनते। एक बार किसी ने जैन परिवार में लोगों को देखा कि जैन मुनि आए हुए हैं, कपड़ा नहीं पहने हैं, पर उनके आसपास धनवान लोगों का समुदाय जुटा हुआ है, महिलाएं हों चाहे पुरुष हों चाहे कोई भी हो, सबके आगे उनके ऊपर पैसे डाल रहे हैं, सारे पैसे, ढोल नगाड़े बजा कर उनकी पूजा हो रही है, बड़े पुष्प उन पर डाले जा रहे हैं, उनकी शोभायात्रा निकल रही है। उस आदमी को प्रतिष्ठा पाने की ललक थी, उसने कहा ये अच्छा तरीका है, अपन भी अपने कपड़े उतार देते हैं, अपनी पूजा होगी। जब कपड़े उतारने पर इतनी प्रतिष्ठा है, जय जयकार हो रही है, उसके मन में त्याग का भाव नहीं था। त्याग के द्वारा जो प्रतिष्ठा मिलती है उसको पाने का भाव था, वो घर पर सबसे पहले बाहर कैसे निकले, कपड़े उतारने के बाद बाहर कैसे निकले, तो घर में प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले। घर में बंद कमरे में वो कपड़े उतार करके घूमता रहता था, किसी ने खिड़की से देख लिया, भाई क्या कर रहे हो तुम, ये नंगे होकर घर में क्यों घूम रहे हो, कपड़े पहनो चलो बेशरम। तो उसने कहा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं त्याग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बोला मैं हिम्मत जुटा रहा हूँ। ये बीमारी एक प्रकार की, प्रत्येक दमन मनोग्रंथि का रूप ले लेता है, प्रत्येक दमन। फ्रायड ने बहुत सही कहा है, विकृति उतनी ही गहरी होगी दमन जितना गहरा होगा, जितना सप्रेस करोगे उतना ही तुम्हारी विकृति बढ़ती चली जाएगी, डिफॉर्मेशन। तो हमारा प्रत्येक दमन जो है मनोग्रंथि का रूप ले लेता है। बुद्ध का अभिनय करने से बुद्ध नहीं बन जाओगे, और महावीर का अभिनय करने से महावीर नहीं बन जाओगे। आपके अंदर से ही आना चाहिए वो, तो कामना करने से कुछ तो नहीं होता, कामना केवल विकलता पैदा करती है। प्रकृति केवल एक चीज का परिणाम देती है, कामना का परिणाम नहीं देती, कर्मों के परिणाम देती है। प्रकृति कर्मों के परिणाम देती है। किसान इच्छा करेगी मेरी खेती में सुमन अनाज पैदा हो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, रोज प्रार्थना करता हूँ खेत में जाके, कोई फायदा नहीं। खेत कितना उर्वर है, मिट्टी कितनी तैयार की गई, किसानी मजबूत की गई कि नहीं, खाद पानी समय पर डाला गया कि नहीं, खरपतवार उखाड़ी कि नहीं, तो इस पर डिपेंड करता है कि आपकी खेती हुई कि नहीं। नहीं साहब हमने तो प्रार्थना कर ली है और हमें फसल मिलेगी, नहीं मिलेगी, बर्बाद हो जाएगा। कामनाएं भी हमारे मन की उर्वरता को छीन लेती हैं। हमारे मन में उर्वरता है, मन जो है हमारा कई तरह की फसल दे सकता है, कई तरह के हमारे विचार दे सकता है, तो कामना हमारे मन की उर्वरता को छीन लेती हैं, मन के सामर्थ्य को छीन लेती हैं। कामनाओं के खरपतवार जितने होंगे उतना ही हमारा मन क्षीण होता चला जाएगा, विकल होता चला जाएगा। इसलिए कामनाओं के खरपतवार को निकालो। खरपतवार जानते हो क्या होता है? घास फूस जो बीच में उगाती है ना, चाहे घर में पौधे लगाए हों, बगीचा लगाया हो, कुछ भी लगाया हो, जैसे ये गमला है, गमले में अगर यहाँ कोई नीचे कोई उगाएगा तो उसको हमारे ज्ञान मिश्र जी भाई साहब कहेंगे सबको हटाओ, चलो निकालो घास निकालो, ये खरपतवार है, ये खरपतवार है। भगवान इसीलिए कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ जब हो जाता है आदमी, मन स्थिर हो जाता है, ऐसे व्यक्ति का पालन पोषण प्रकृति स्वयं करती है, प्रकृति उसका पालन करती है, उसका विवेक कहता है, उसका वैराग्य कहता है, उसकी विचारशीलता कहती है, उसके जीवन की अनुभूतियाँ कहती हैं। कामनाओं को त्यागने का अर्थ कर्म को त्यागना नहीं है। कई बार लोग कामनाओं को त्यागने का मतलब समझ लेते कर्म को त्यागना, कर्म नहीं त्यागना है, कर्म करते चले जाना है। कुछ लोग समझते हैं जब कुछ पाना ही नहीं तो कर्म क्यों करें, ये तमोगुणी होते हैं, ऐसे लोग तमोगुणी होते हैं, जो कहते हैं कुछ पाना ही नहीं तो कर्म क्यों करें, अजगर करें ना चाकरी, पंछी करें ना काम, ऐसे ही होते हैं। कुछ लोग जब कहते हैं कर्म कर रहे हैं तो कामना भी करेंगे, ऐसे लोग रजोगुणी होते हैं, ऐसे लोग रजोगुणी होते हैं, कर्म करेंगे तो कामना भी करेंगे, हमने इतनी मेहनत की है तो इतना होगा ही, इतना मिलेगा ही, हमने इतने कर्म किए हैं तो होगा ही, रजोगुणी होते हैं, चिंतित रहते हैं, विचलित रहते हैं।
तमोगुणी रजोगुणी। पर जो सोचते हैं प्रभु की इच्छा है, जितना चाहे उतना दे दे, जनहित में लोकहित में वितरित भी करते रहते हैं, ये सत्वगुणी होते हैं। और ये जब और ऊंचा उड़ जाते हैं तो स्थित प्रज्ञ बन जाते हैं। तमोगुणी रजोगुणी सत्वगुणी और स्थित प्रज्ञ, और ऊंची स्थिति में कर्म की ऊंची, ऊंचे जीवन के लक्ष्य, उच्च कोटि के लक्ष्य। भगवान कहते हैं जिसने कामनाओं का त्याग मन से कर दिया, निष्कामता आ गई, जीवन में हर क्षण हर पल अच्छे से अच्छा करना चाहिए, शुभ से शुभ करना चाहिए, बड़े हितों के लिए, व्यापक हितों के लिए काम करना चाहिए। जैसे ये युग निर्माण योजना है, इसके जो आदर्श हैं, इसके जो निर्धारण हैं, इसके लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं, पूरे मन से काम कर रहे हैं, पूरे मन से, कहीं भी मन में कोई असमंजस नहीं है हमारे मन में। जब हम अपने लिए नहीं, लोकमंगल के लिए काम करते हैं, श्रेष्ठ उद्देश्यों के लिए जीते हैं, मन बड़ा प्रसन्न होता है। कई बार हमें होता है कि हमारे मन में, हमारे घर में खाना बना, उस समय कोई दूसरा भूखा आ गया, हमने उसे खिला दिया, हम खाना ठीक से नहीं खा पाए, थोड़ा सा खाया, तो मन में एक अच्छा भाव पैदा होता है, आज अच्छा किया। मन से जो स्वार्थ जाता है और उसका, मन से जो अहंकार जाता है, मन से कामनाएं भी विदा हो जाती हैं, कि हमारा जीवन उतना ही व्यापक हो जाता है। मन को फैला दो, मन को व्यापक करो, मन को व्यापक बना दो, पूरे सर्वजन हितार्थाय, सबके लिए, सबके लिए। प्रसन्नता के कई रूप हैं। प्रसन्नता का एक रूप है खाने को मिला, अच्छा भोजन है, स्वाद मिला, उसको कहते हैं सुख, इंद्रिय सुख, खाने का सुख, इंद्रिय सुख, खाने के अलावा और भी तरह के जो इंद्रिय सुख हैं, इंद्रिय संस्पर्श के द्वारा जो मिलते हैं, आँखों से देख रहे हैं अच्छे दृश्य, जीभ से कुछ अच्छा खा रहे हैं, एक सुख जो, एक आनंद जो होता है, एक प्रसन्नता जो होती है, हर्ष कहलाती है। प्रसन्नता का एक स्वरूप है सुख, दूसरा है हर्ष। हर्ष कहलाता है अहंकार की तुष्टि से, भाई साहब आपसे बड़ा बढ़िया आदमी हमने कोई देखा नहीं, आप जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति हमने नहीं देखा, आप इतने अच्छे काम करते हैं, इतने अच्छे काम करते हैं, बड़ी बहुत अच्छी हैंडराइटिंग भी है आपकी, बहुत सुंदर लिखते भी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, काम भी अच्छा करते हैं, बहुत बढ़िया है। बस आपका अहंकार तुष्ट हो गया, मन पुलकित हो गया, तो अहंकार की तृप्ति से गदगद हो जाते हैं, ये दूसरी तरह की प्रसन्नता। तीसरी प्रकार की प्रसन्नता जो होती है वो कुछ मिलने पर नहीं, अपने में ही मन, अपने ही मन में संतुष्ट, आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः, मन ही मन में तुष्ट, मन ही मन में प्रसन्न, प्रस्फुटित होती रहती है। ये अनुभूति योगी जनों को मिलती है, जब भगवान कहते हैं आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट। जिस दिन कामनाएं चले जाएंगी उस दिन ही ये प्रसन्नता आएगी आपके अंदर, जिस दिन कामनाएं चली जाएंगी, कामनाएं जब तक हैं तब तक नहीं। ये कुछ अच्छा कर पाने की, हमारा स्वार्थ पीछे छूट गया, परमार्थ आ गया, हमारा अहंकार पीछे छूट गया, लोग के सामने आ गया, जब ये अनुभूति आने लगती है तो फिर हम किसी तरह के सुख दुख से विचलित नहीं होते। बड़ा से बड़ा दुख भी हमारे सामने कुछ नहीं होता, बड़ा से बड़ा दुख भी आता है चला जाता है, स्थित प्रज्ञ असंतुष्ट नहीं रहता, कामनाओं को त्याग देने पर भी असंतुष्ट नहीं रहती, प्रतिपल कुछ अच्छा होता रहता है उसके साथ। स्थित प्रज्ञ कैसा होता है? स्थित प्रज्ञ ऐसा होता है जैसे वहाँ के वातावरण के लिए, वहाँ के लोगों के लिए एक वरदान, जैसे कि फव्वारा है, फाउंटेन, फाउंटेन ऑफ गुडनेस, फाउंटेन ऑफ प्लेजर, फाउंटेन ऑफ इटर्निटी, फाउंटेन ऑफ चेयरफुलनेस, वो एक झरना जैसा होता है, फाउंटेन एक फव्वारा बन जाता है, शुभ विचार फैलाता रहता है, सद्विचार फैलाता रहता है, सद्भाव सत्कर्म उसके माध्यम से व्यक्त होते रहते हैं। यदि ऐसी स्थिति है, यदि मन का ऐसा विकास हो सके, तो व्यक्तित्व का शिखर विकास, और व्यक्तित्व का शिखर विकास आदमी को स्थित प्रज्ञ बना देता है। गीता में जब स्थित प्रज्ञ की बात कही गई तो यूँ समझो व्यक्तित्व के शिखर की बात कही गई। एक शब्द है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ये डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की सीरीज है, नीचे तमोगुणी रजोगुणी सत्वगुणी स्थित प्रज्ञ, हाइएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, हाइएस्ट डेवलपमेंट, उच्च कोटि का विकास। हमारे देश में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, व्हाट यू हैव, आपके पास क्या है, मेरे पास कार है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास इतनी सारी गाड़ियां हैं, ये हैं सब हैं। तुमको एक फिल्म का डायलॉग मालूम होगा, याद है तुमको, क्या तुम्हारे पास क्या है, माँ है तुम्हारे पास ना। वो व्हाट यू हैव वाला जो भौतिकवाद है वो ये कहता है व्हाट यू हैव, और अध्यात्मवाद कहता है व्हाट यू आर,
तुम क्या हो, आप कुछ बन पाए कि नहीं, आप कुछ विकसित हो पाए कि नहीं, व्हाट यू हैव वाला नहीं है, आपको व्हाट यू वार सुनना पड़ेगा, आपके पास क्या नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है, उच्च कोटि की अनुभूतियाँ नहीं है, हमारे पास संतुष्टि नहीं है, हमारे मन को प्रसन्नता नहीं है, हमारा मन खुश नहीं रहता, सुबह से शाम तक 24 घंटे आप प्रसन्न बने रहते हैं, दुखी बने रहते हैं। स्वामी प्रणवानंद हैं, योगी कथामृत में उनके बारे में चर्चा हुई है। योगी कथामृत के लेखक स्वामी योगानंद हैं, उन्होंने उनके बारे में लिखा है, प्रणवानंद जी के बारे में, कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, रिटायरमेंट के बाद धीरे धीरे साधना में लग गए, धीरे धीरे उनका मन स्थिर होने लगा, उनका मन पावन हो गया, पवित्र हो गया। बोले आजकल हमें दो तरह की पेंशन मिलती है, ये योगी कथामृत में आया है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में आया है, योगी की आत्मकथा में। आजकल हमें दो तरह की पेंशन मिलती है, प्रणवानंद जी जो हैं बड़े प्रसिद्ध वो हुए बाबा जी के शिष्य, आजकल हमें दो तरह की पेंशन मिलती है, एक पेंशन रेलवे डिपार्टमेंट देता है जहाँ हम पहले नौकरी करते थे, एक पेंशन हमारे गुरुदेव देते हैं, भगवान की कृपा से हमारे भीतर से बरसती है। कैसी पेंशन है वो, जो ऊपर से आती है हमको स्थित प्रज्ञ बना देती है, हमारे अंदर भगवान की करुणा कृपा बरसाती है, प्रसन्नता हमारे अंदर झलकती रहती है, केवल हम ही प्रसन्न नहीं रहते, हम प्रसन्नता को बिखेर देते हैं चारों तरफ, ये हमारी अच्छी सबसे बढ़िया पेंशन है। और जो सरकार की पेंशन है उससे घर का खर्चा चल जाता, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सन्यासी प्रणवानंद जी ने अपनी एक सीरीज लिखी किताबों की, 5 किताबें हैं इनकी लिखी हुई, बहुत ही बढ़िया उनका जो चिंतन था, उन्होंने जो उनके गुरु थे, गुरु और गुरु के गुरु बाबा जी, उनके भी गुरु, ऐसे कई एक पूरी परंपरा है पूरी पूरी गुरुओं की, उन लोगों ने मिलकर के इस परंपरा को स्टार्ट किया। ये अंदर से जो आती है संतुष्टि प्रसन्नता, वो स्थित प्रज्ञा यानी की शिखरता पे पहुंचा देती है, स्थित प्रज्ञा ने व्यक्तित्व विकास का उच्चतम सोपान, व्यक्तित्व विकास का उच्चतम सोपान। ये जो इसमें नवरात्रि में भगवद गीता में जो प्रकरण हम प्रसंग उठा रहे हैं वो है ज्ञान की महिमा, 4th अध्याय के अंतिम 9 श्लोक हैं, ज्ञान के बारे में जो दृष्टि है, जब से मनुष्य विकसित हुआ तब से सभ्यता विकसित हुई, ज्ञान की महिमा को स्वीकार किया गया, मनुष्य की सभ्यता, मनुष्य की संस्कृति, मनुष्य का जीवन एक ही चीज की देन है, ज्ञान की देन, ज्ञान। अगर मनुष्य और पशु में कोई भेद है, कोई अंतर है, वो ज्ञान का भेद है, पशु को ज्ञान नहीं है, मनुष्य को ज्ञान है, क्या उचित है क्या अनुचित, क्या सीमा में रहने वाला काम है, क्या सीमा से बाहर जाने वाला किया, ज्ञान विचार है, ज्ञान तर्क है। मैं जो बोल रहा हूँ सुन लो इसको, क्योंकि मैं इसको डिटेल करूँगा 9 दिन में, अभी लिखने की जरूरत नहीं। ज्ञान विचार है, ज्ञान तर्क है, ज्ञान बुद्धि है, ज्ञान विश्लेषण है, ज्ञान अनुभूति है। ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है, ये ज्ञान नॉलेज नहीं है, ये ज्ञान विजडम है, ये ज्ञान विजडम कम वर्च्यू है, बहुत बड़ी चीज़ है। ज्ञान को पश्चिम में फिलॉसफी कहा गया है, फिलॉसफी वर्ड जो है फिलोसोफिया वर्ड से आया है, इसका मतलब है लव विद नॉलेज, ज्ञान के साथ प्रेम, ज्ञान के साथ प्रेम, फिलोसोफिया का मतलब होता है ज्ञान के साथ प्रेम। हमने ज्ञान को दर्शन कहा, दर्शन का मतलब जो हमें देखना सिखाया, जो हमें दे दृष्टि दे, अनुभव करने की क्षमता दे, परसीव करने की क्षमता दे, परसेप्शन शब्द जो आया है वो हमारे हिंदू संस्कृति, देव संस्कृति, हमारी जो भारतीय संस्कृति में आया, परसेप्शन, परसेप्शन यानी देखना, ज्ञान को देखना, ज्ञान को देख करके अनुभव करना, हम किस रूप में परिस्थितियों को जीवन में अनुभव करते हैं, वातावरण में अनुभव करते हैं। ज्ञान को पश्चिम फिलॉसफी कहा गया, पूर्व में दर्शन कहा गया, देखना, देखना यानी दर्शन, समझ में आया कि नहीं तुमको, क्यों कहा जाता है ईस्ट को, ईस्ट का ईस्टर्न फिलॉसफी, ईस्टर्न फिलॉसफी को नॉलेज क्यों कहा जाता है या विजडम क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखना जाता है, देखा जाता है, हम देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे, अपनी आत्मा की आंखों से देखेंगे, चक्षुओं से देखेंगे। हम ज्ञान को स्मृति से परिभाषित नहीं करते, अनुभव से परिभाषित करते हैं, हमारे व्यक्तित्व तो हमारा जीवन वैसा होता है जैसा हम अनुभव करते हैं, अनुभव के बिना हमारा जीवन, तो अनुभूत ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है, अनुभूत ज्ञान, एक्सपीरियंस नॉलेज। जो 9 श्लोक हैं अंतिम, इनमें अनुभूत ज्ञान की बात कही गई है, प्रूडेंस की बात कही गई है, विजडम की बात कही गई है। ये वो ज्ञान नहीं है, वो जानकारी नहीं है जो पेपर में पढ़ने को मिलती है,
या न्यूज़पेपर में मैगजीन में न्यूज़ मैगजीन में पढ़ने को मिलती है, या गूगल में जाने पे मिलती है, या कंप्यूटर में मिलती है, वो नहीं। हमारे अनुभव के आधार पर जो हमको मिलता है, हमारे ऋषियों ने अनुभव के आधार पर जो मिलता है उसी को इतना सूक्ष्म व्यापक सकारात्मक बना दिया, हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने वाला ज्ञान कैसा है। जीवन की उत्कृष्टता हमारे भारतीय संस्कृति में ज्ञान की परिभाषा है। जीवन को जो उत्कृष्ट बना दे वो ज्ञान, वो जीवन को जो निकृष्ट बना दे वो अज्ञान, अज्ञानी जीवन। ज्ञान वो है जो जीवन को उत्कृष्ट बना दे, श्रेष्ठतम बना दे। भारत में ऋषि परंपरा रही है, पश्चिम में भी ज्ञानी को हमने गुरु का स्थान दिया, आदर दिया। हमने माना कि वो श्रेष्ठ समाज है, वो समाज अच्छा है। कौन सा? जहाँ नॉलेज सोसाइटी की बात होती है, नॉलेज सोसाइटी। आज नॉलेज इकोनॉमी की भी बात हो रही है, ज्ञान के आधार पर चलने वाला अर्थशास्त्र। स्वामी अपने APJ कलाम साहब ने नॉलेज इकोनॉमी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। हमारे यहाँ संतों की सराहना की गई, ऋषि मुनियों की सराहना की गई। क्यों की गई? ज्ञान के कारण, तार्किक भाषा के कारण नहीं, ज्ञान के कारण। ज्ञान जो अंदर तक चला जाए, अंदर तक उतर जाए। ज्ञान का अनुपान संवेदना है। जैसे जड़ी बूटी देते हैं ना, शहद में मिला के देते हैं। शहद में नींद मिला के देंगे तो अंदर तक कहाँ जाके काम नहीं करेगी। तो ज्ञान को संवेदना के साथ मिला के देते हैं तब जाके ज्ञान काम करता है। मैं परसों से जब दूंगा तुमको उसी के साथ दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में इस प्रकरण में ज्ञान को कुछ नए आयाम दिए। कैसे क्या आयाम दिए हैं? तद विद्धि परिप्रातेन, पहला श्लोक है, तद विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेविया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तद विद्धि परिप्रातेन, तद यानी उस ज्ञान को विद्धि जानने की कोशिश कर, परिप्रातेन प्रणाम कर, भाव भक्ति से, विनम्रता से, दंडवत। प्रणाम का मतलब होता है उनकी सिर झुका के ज्ञान को स्वीकार करना। इसीलिए हमारे यहाँ प्रतीक बताया गया, शिष्य का प्रतीक ये बताया गया, अर्जुन का और श्री कृष्ण का बताया गया, इस तरह का गुरु का। ज्ञान बुद्धि और तर्क का विषय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने बौद्धिकता की, बुद्धि की, तर्क की या स्मृति की बात नहीं की। उन्होंने क्या कहा है कि ज्ञानी जनों का संग करो, सत्संग करो। तद्विधि पन प्रश्न सेविया, जिज्ञासा रखो, प्रश्न पूछो उनसे, मन की बात पूछो, बात करो, पूछो उनसे प्रश्न। जैसे तुम क्वेश्चन पूछते हो, मैं हर बार कृष्ण का जवाब देता हूँ। जितनी महिमा स्वाध्याय की हमारे यहाँ, उससे ज़्यादा सत्संग की महिमा बताई गई है, सेवा की महत्ता बताई गई। हम सीख सकते हैं ज्ञान को। फिर विशेष बात बताते हैं, ज्ञान के लिए श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा से क्या होगा? आज हम स्कूल जाते हैं, विश्वविद्यालय जाते हैं, पढ़ते हैं तो हम IQ का मापन करते हैं। तो IQ के बाद लोगों ने कहा कि नहीं, IQ नहीं, भगवान कहते हैं श्रद्धा भाव बुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो IQ से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? EQ। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? SQ, स्पिरिचुअल क्वेश्चन्ट, इमोशनल क्वेश्चन्ट एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन्ट, ये महत्वपूर्ण है। शिक्षा और चिकित्सा सीखने की बात, स्वाध्याय की बात, स्वास्थ्य की बात, शिक्षा और चिकित्सा वहाँ कारगर होती है जब व्यक्ति ग्रहणशील होता है। जहाँ शिक्षा और चिकित्सा देनी है, जब आदमी ग्रहणशील हो तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो हो सकता है कि दवा को रिजेक्ट कर दें, या नॉलेज को भी रिजेक्ट कर दें, शिक्षा को भी रिजेक्ट कर दें। ग्रहणशीलता न हो तो बात नहीं बनती। इसलिए भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को जब ज्ञान देना शुरू किया, कब देना शुरू किया? जब उसने कहा दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। शिष्यस्ते अहम, मैं आपके शिष्य बन के आया हूँ। जीवन को संकीर्णता से, ज्ञान जीवन को संकीर्णता से उबारता है, हमें जीवन को उदार बनाता है, व्यापक बनाता है। राजा का देश तो अपना देश होता है, राजा जहाँ रहता है वहाँ का देश अपना देश है। राजा चाहे तो अपने देश को निकाल सकता है, लेकिन ज्ञानी के लिए पूरा संसार उसका देश है। भगवान कहते हैं यज्ञवात्वा न पुनर्मोहम, इसी में है अगले श्लोक है, जो चौथा अध्याय है उसमें, जिसको जानने के बाद फिर तुमको मोह नहीं होगा, फिर से मोह नहीं होगा। हे पांडव, जिसको जानकर तो मोह को प्राप्त नहीं होगा, जो अभी तो प्राप्त हो गया है, जिस ज्ञान के द्वारा तो संपूर्ण जीवों को निशेष भाव से पहले अपने में और फिर मुझ में, परमात्मा में देखेगा, एक दृष्टि मिल जाएगी। ज्ञान विजन देता है, ज्ञान दृष्टि देता है, अंतर चक्षु खोलता है ज्ञान।
अंतःचक्षु खोलने के बाद फिर ज्ञान के नए आयाम खुलने जाते हैं, ज्ञान अनुभव के शिखर पर पहुंचा देता है। ज्ञान की साधना श्रद्धा से होती है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संहितेंद्रिय, इसके अपन व्याख्या पढ़ेंगे। हमारा जीवन आज बहुत कलुषित हो गया है, जीवन को यदि पवित्र बनाना है तो भी ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान से पवित्र नहीं होगा। नहीं ज्ञान है न सदृशम पवित्रमेह विद्यते, ज्ञान से ज़्यादा पवित्र इस धरती पर कुछ भी नहीं है। तो पवित्र भावपूर्ण विनम्र सकारात्मक सदाचारी जीवन चाहते हैं हम अगर, तो प्रत्येक उत्कृष्टता के लिए ज्ञान चाहिए, प्रत्येक के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान और विज्ञान में बहुत अंतर है। विज्ञान हमें जानकारी देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, पर ज्ञान हमें सही अर्थों में जीवन जीने की कला सिखाता है। ज्ञान हमें प्रत्येक वचन ज्ञान की नई अनुमति देता है, ज्ञान का नया नवीन आयाम आता है, तो हमें परिष्कृत जीवन जीने का स्वरूप मिलता है। और अज्ञानी के मन में संशय संदेह उपस्थित रहते हैं, पैदा होते रहते हैं तरह तरह के। पश्चिम में कहते हैं ज्ञान आपको वहां होता है जहां आपको संशय है, जहां आपको प्रश्न है, जहां आपको संदेह है, वहां आपको ज्ञान मिलता है। एक ग्रीक दार्शनिक हुआ है पिरहो, PIRHO, PR पिरहो। उसका गुरु एक बार जा रहा था, रास्ते में गड्ढे में गिर गया, गड्ढे में था दलदल। पिरहो साथ में था, पिरहो ने कहा, सोचा गुरु को निकालें कि नहीं निकालें। तो गुरु ने सोचा है, सिखाया है प्रत्येक कर्म को सोच विचार के करना चाहिए। अब एक बात तो याद रह गई उसको, प्रत्येक कर्म को सोच विचार के करना चाहिए। हमारे लिए उचित क्या है, गुरु को गड्ढे से निकालें या नहीं निकालें? अब गुरु नीचे चिल्लाते रहे, बेटा बचाओ बचाओ बेटा, निकालो मेरे को, ऊपर निकालो, मैं दलदल में नीचे जाता हूँ, नीचे जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ। उसने कहा, भैया आपकी सीख को हम जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम निकालें कि नहीं निकालें आपको, हम जरा अच्छी तरह समझ लें। गुरु ने कहा, अच्छा सिखाया है शिष्य को, जिसने एक चीज़ पकड़ ली बस वहीं। ज्ञान अधूरा ज्ञान नहीं होता कभी भी, ज्ञान संपूर्ण होता है, समग्र होता है। इतने में दूसरे लोग आ गए, दूसरे लोगों ने गुरु को गड्ढे से निकाल दिया। उन्होंने कहा, इसको पूरा सिखाओ, चलो पूरा सिखाओ इसको, अधूरा सिखाया आपने अपने पिरहो को। सकारात्मकता के लिए, संवेदना के लिए संशय की आवश्यकता नहीं है, श्रद्धा की आवश्यकता है। अगर श्रद्धा होती गुरु के प्रति तो उसने कहा है, बाहर में जाए तुम्हारा नॉलेज, सबसे पहले तुमको निकालना है, बाहर करना है, नीचे उसमें चले जाओ, कीचड़ में चले जाओगे। संशय आत्मा विनश्यति, इसी इन्हीं श्लोकों में आया है। संशय होगा तो जीवन अंधेरों में चला जाएगा। संशय की नहीं, श्रद्धा की आवश्यकता है। इसलिए हम संशय मुक्त हों, श्रद्धावान बन सकें, पवित्र हो सकें, मोहमुक्त हो सकें, जीवन का निरंतर उत्थान होता चला जाए। ज्ञान के लिए वेद कहते हैं, तमसो माँ मृत्यु और माँ, यानी अमृत जो है वो सकारात्मकता है, अमृत संवेदना है। ज्ञान संवेदना से पूरित होता है, ज्ञान संवेदना से पूरित होता है, ज्ञान प्रकाश से अभिपूरित होता है। जहाँ प्रकाश है, जहाँ संवेदना है, जहाँ ज्ञान है, वहाँ हम उतने ही ज़्यादा अपने उत्कृष्टता की चरम सीमा पर पहुँचते जाते हैं। हम कबीर को ले लें, बुद्ध को ले लें, ये सब तार्किक नहीं थे, इनके पास शास्त्रों का स्मृति का भंडार नहीं था। कबीर तो खुलेआम घोषणा करते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं आत, नहीं तो मैंने कलम भी नहीं पकड़ी, मैंने कागज भी नहीं छुआ। परम पूज्य गुरुदेव ने पांचवी क्लास से ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, पर जब उनका लेखन पढ़ता है जो, वो कहता है ये इस आदमी ने जरूर डिलीट की होगी, PhD की होगी। नहीं, ये ज्ञान अंदर से आता है, ये ज्ञान अंदर से आता है, गुरु कृपा से आता है। हमें फिर से अपना पुनरावलोकन करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने दृष्टि रखते हैं, बोध देते हैं जीवन के बारे में, ज्ञान के बारे में नए मापदंड देते हैं, सर्वथा नवीन। प्रत्येक श्लोक, मैंने पूरे 9 दिन के 9 श्लोकों की समरी बोल दी अभी, 9 दिन चलने वाली ज्ञान की महिमा, प्रत्येक दिन कही जाने वाली ज्ञान की साधना है। कहते हैं लास्ट में, श्रवणम शतगुणम मननम, इसको चाहो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, श्रवणम शतगुणम मननम सहस्रम निदिध्यासनम अनंतम निर्विकल्पम। श्रवणम शतगुणम मननम सहस्रम निदिध्यासनम अनंतम निर्विकल्पम, इसका मतलब क्या हुआ है? श्रवण यानी सुनना, सुनने से ज्यादा सुगुना महत्व है मनन का। जुगाली करो, आपस में डिस्कस किया करो, मेरी क्लासेस के बाद बैठ करके आधा एक घंटा 24 घंटे में कभी भी तुम पढ़ो, उसको उस पर विचार करो, मैंने ये लिखा, तुमने ये लिखा, तुमने कहा क्या, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है, बातचीत करो, मनन करो, मनन करो, मनन मनन मन से जिसका चिंतन किया जाए, मनन जो सुना जाए,
और सुमनन किया जाए, उस पर ध्यान किया जाए, और जिसको ध्यान किया जाए उसको एकाकार किया जाए। सहस्त्रम निदिध्यासनम, एकाकार करो उसको। निदिध्यासन मतलब अपने अंदर बिठा लो उसको, और तदाकार हो जाए, एकाकार हो जाए, इसका मतलब है हम ज्ञान की ओर बढ़े। जब इतना हो जाए तो निर्विकल्प समाधि की ओर चले जाते हैं। समाधि, समाधि शब्द समाधान से बना है। सारे समाधान, सारे शंकाएं समाधान से मिल जाती हैं, समाधि से मिल जाती हैं। ज्ञान समाधि की ओर ले जाता है, जीवन को सार्थक बनाता है, उत्कृष्ट बनाता है। चलो गीता की आरती करेंगे। कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः सुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ज्ञानावस्थिततगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ॐ जय भगवद्गीते, जय जय भगवद्गीते। हरिः कमल विहारिणी, हरिः कमल विहारी सुन्दर सुपुनीते। कर्म सुमर्म प्रकाशि कामा शक्ति हरा, कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। निश्चल भक्ति विधायी निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवती। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। जय भगवान। आसुर भाव विनाशी नाशिनी तम रजनी, देवी सद्गुण दायिनी, देवी सद्गुण दायिनी हरि रस का सजनी। ओम जय भगवान। समता त्याग सिखाई हरि मुख की वाणी, हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी शुद्धियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधावर सां मातु कृपा की जय, मातु कृपा की। हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए। ओम जय भगवद्गीते। आसुर भाव विनाशी नाशिनी तम रजनी, नाशिनी तम रजनी देवी सद्गुण दायिनी, देवी सद्गुण दायिनी हरि रस का सजनी। ओम जय भगवद्गीते। समता त्याग सिखावी हरि मुख की वाणी, हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी सुतियों की रानी। ओम जय भगवद्गीते। दया सुधा वरसावी मातु कृपा की जय, मातु कृपा की जय। प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान अपनों कर ली। ओम जय भगवद्गीते। जय जय भगवद्गीते।
गीते जय जय भगवद गीते हरि कमल बिहारी हरि कमल बिहारी सुंदर सुपुनीत ओम जय भगवद गीते जय जय भगवद गीते ओम जय भगवद गीते जय जय भगवद गीते सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।